नहर पार के थे, जो हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के थे जी, उनका मुआवजा काफी सालों से रुका हुआ था जी। हमने सरकार के आगे मांग रखी, मुख्यमंत्री जी के आगे भी मांग रखी, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे इस वजह से मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। अब सारे केसेस क्लियर हो गए और हमारी सरकार ने नहर पार का सबका मुआवजा दे दिया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। खैर वैसे तो विधायक जी आप देखो, ये हमारे जो किसान हैं, हमारे जो भाई यहाँ के हैं, उनका हक है ये, और ये हक उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, पर कई कारणों की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। पर हमने ये बात हमारी 27 मार्च की जो तिगांव की प्रगति रैली थी उसमें भी रखी कि हमारे किसानों का मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई और उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त से पहले पहले सभी का मुआवजा मिल जाएगा, और वो 15 अगस्त से क्या 15 जून को ही हमारे सभी किसानों का मुआवजा मिल गया। उसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मांग उठाई उसके लिए हम विधायक जी के पास धन्यवाद के लिए हम सब 19 गाँव के लोग आए हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं। मुआवजा बढ़ाया गया और तभी से कोर्ट में केस चले हुए हैं जी, तो काफी संघर्ष किसानों ने किया जी, कई बार अपने विधायक जी से मिले, और आज हम जो आए हैं यहाँ पर वो स्पेशल इसलिए आए हैं विधायक जी का धन्यवाद करने के लिए कि विधायक जी ने तिगांव की रैली में किसानों के मुआवजे का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया था, और सीएम साहब ने भी कहा था कि इनका जल्दी हम मुआवजा दे देंगे। हालांकि सरकार की डेडलाइन 15 अगस्त थी, लेकिन अब की बार जो मुआवजा करीब 1700 करोड़ रुपये डेडलाइन से पहले ही 15 जून तक ही तकरीबन सभी किसानों का मुआवजा उनके खातों में पहुँच गया है। जिन किसानों ने फाइल जमा करा दी थी उनमें एक दो क्लरिकल मिस्टेक हैं, वो रह गए हैं, लेकिन जिन्होंने फाइल जमा नहीं कराई उनसे भी हमने कहा है फाइल जमा कराएं, और एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र दैया जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है जिनकी फाइल 30 जून तक जमा हो जाएंगी सभी का पैसा एक मुश्त उनके खाते में पहुंच जाएगा। तो अभी किसानों से भी आग्रह को अपनी फाइल जल्दी से जमा कराएं, और जो हमारी 767 के फाइल थी जिनका मुआवजा मिला है, तकरीबन 1050 के लगभग फाइल हैं उनमें से ये मिल चुका है। और एक चीज़ और, हमें आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी बैठे हैं, इनसे हम डिमांड करेंगे कि हमारी जो ज़मीन एक्वायर होती है उसमें ये पॉलिसी थी कि हम कहीं ज़मीन खरीदेंगे तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी छूट रहेगी, लेकिन अब इसमें कुछ नियम बदल दिए गए हैं, अब अगर हम ज़मीन खरीदेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी हमारी लगेगी। तो हम इसलिए विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार से इस किसानों की इस बात को पहुँचाएं कि जो ज़मीन हम परचेज करेंगे आगे उसमें हमारी स्टैम्प ड्यूटी ना लगे। और इन्हीं के साथ मैं पुनः हमारे विधायक जी का और हमारे जो किसान भाई सब साथ आए हैं 19 गांवों की तरफ से, इनका पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और आगे भी हम इनसे अपील करेंगे हमारे किसानों के जो छोटे मोटे मुद्दे हैं अभी भी रॉयल्टी की रह रही है वो आई नहीं पेमेंट, उनको भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर बात करेंगे और उन्हें भी किसानों के खाते में डलवाएंगे। इन्हीं के साथ सबका धन्यवाद।